नमस्कार, मैं हूं राकेश साला और आप देख रहे हैं आईटी हिंदुस्तान। आज के जन सदन का मुद्दा है बजट की मार क्या झेल पाएगी सरकार, और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। संजय श्रीवास्तव जी समूह संपादक हैं। संजय जी, आईटी हिंदुस्तान परिवार आपका स्वागत करता है। नरेंद्र सिंह जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, नरेंद्र जी आईटी हिंदुस्तान परिवार में आपका स्वागत है। अभय श्रीवास्तव जी अर्थशास्त्री, अभय जी आईटी हिंदुस्तान परिवार आपका स्वागत करता है। और संजीव वर्मा जी भाजपा नेता है, संजीव जी आईटी हिंदुस्तान परिवार में आपका स्वागत है। अगर हम बजट के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले संजय श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहेंगे। संजय श्रीवास्तव जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज कल ये बजट पढ़ा, 11 बजे सुबह उन्होंने बजट पढ़ा और 1:40 तक ये बजट पढ़ा, यानी कि 2:40 उन्होंने ये बजट पढ़ा। उससे पहले की अगर हम बात करें, जब जसवंत सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने 2:13 बजट को पढ़ा था। हालांकि जब निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ा तो लास्ट के 2 बन्ने वो नहीं पढ़ पाए क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। अगर हम पुरानी बातों के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो स्वर्गीय हेमवती नंदन भगुना जी इंदिरा सरकार में जब वित्त मंत्री हुआ करते थे, 1979 की हम बात कर रहे हैं, हालांकि उनको बजट पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी की अगर हम बात करते हैं, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय उनको बजट पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वो बजट राजीव गांधी जी ने पढ़ा था। हालांकि कई चीजें इसमें सस्ती और कई चीजें महंगी हुई है। अगर हम सस्ती में बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हुए हैं, महंगे में किचन वेयर महंगा हुआ है, सिगरेट महंगी हुई है, फर्नीचर महंगा हुआ है। आपका आकलन या आपका नजरिया किस तरीके से देखता है संजय श्रीवास्तव जी इस बजट को? देखिए, दरअसल डॉक्टर साहब सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि चुनाव दिल्ली के चल रहे थे और सामने बिहार का भी चुनाव है और बंगाल का चुनाव है, तो उम्मीदें बहुत थी और उस उम्मीद के लाख तक का फ्री है। उसके बाद जो इन्होंने अलग अलग कैटेगरी दी है, एक नई चीज दी है जिसको समझने में हो सकता है थोड़ा समय लगे। डॉक्टर साहब बिल्कुल, नरेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे। नरेंद्र सिंह जी, सरकार ये कह रही है कि हम LIC और IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बेचेंगे, आपकी प्रतिक्रिया नरेंद्र जी? सर, अब ये सरकार का सिर्फ एक ही मोटो रह गया कि बेच दो, सब कुछ जो मिलता है सब बेच दो। अब इस देश में सिर्फ अड़ना नहीं रह जाएगा, बाकी जितनी सरकारी कंपनियां हैं वो सब एक के बाद एक बिकने भी नहीं। बिल्कुल, अभय जी आपके पास आना चाहेंगे। अभय जी, अगर हम बजट की बात करते हैं, क्योंकि बजट वो चीज भी जो लेखा जोखा होता है बताता है कि क्या चीजें महंगी हुई, क्या चीजें सस्ती हुई, किसके दाम बढ़े या किसके दाम घटे। अगर NRI के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, सरकार कहती है अगर NRI ने बजट अपना टैक्स नहीं दिया तो उनमें भी संभावना है कि टैक्स लगाया जाएगा। सरकार PPP मोड पे, यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड पे भी आने का प्रयास कर रही है और नौकरी के लिए वो स्टार्टअप के थ्रू नौकरी के प्रावधान भी निकाल रही है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन में सरकार जिस तरीके का बजट लाई है, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप अर्थशास्त्री इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। अभी जी देखिए, ये जो बजट अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है कल, उससे देश को बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी आकांक्षाएं थी, जिसको कि मैं समझता हूं कि वो उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है। एक अर्थशास्त्री होने के नाते या इस लाइन से जुड़ा होने के नाते मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जो पहले हमारे पास टैक्स रिजीम था, जो डायरेक्ट टैक्स का रिजीम था, और जो इस समय जो कल घोषणा हुई है टैक्स रिजीम की, उसमें कोई फर्क नहीं है। कुछ नया किसी भी तरीके का लाभ देने की चेष्टा करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन वो नगण्य है और उसका कोई लाभ मुझे जो है वो दिखाई नहीं देता है। अगर हम इससे पहले जो एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम है और जो नया टैक्स रिजीम कल घोषणा हुई है, उसकी अगर हम एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करें, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम है वो ज्यादा लाभदायक है, बल्कि इसके जो नया टैक्स का स्लैब जो लगाया गया है उसके अंदर उतने लाभ नहीं है। पहले 5 लाख, हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, पहले 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं था और अभी भी 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है।
पहले 5,01,000 से लेकर 10,00,000 रुपए के टैक्स के स्लैब के ऊपर 20% टैक्स था, यानी कि 5,01,000 रुपए से लेकर 10,00,000 रुपए तक 20% टैक्स यानी कि 1,00,000 रुपए टैक्स होता था। लेकिन उसके अंदर एग्जेम्पशन चैप्टर 6 की इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर चैप्टर 6 की बहुत सारी डिडक्शंस थी जो कि मैं आपको थोड़ा सा पढ़ करके बताता हूं। जैसे 80C के अंदर 1,50,000 की टैक्स की डिडक्शंस थी। सेक्शन 24B जो कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग प्रॉपर्टी होता है, हाउसिंग प्रॉपर्टी होता है वो 2,00,000 रुपए वो हम घटा दे थे। 80D यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर हम 25,000 रुपए का अगर हम कोई आदमी पे करता था तो उसका डिडक्शन होती थी। HRA की डिडक्शन हमें मिलती थी और एक सीधा सीधा डिडक्शन मिलती थी 50,000 रुपए की ऑन सैलरीड इनकम टू एवरी सैलरीड पर्सन। तो अगर मैं मोटी बात भी करूं तो पिछले टैक्स रिजीम में 4,75,000 रुपए की सीधे सीधे डिडक्शन मिल जाती थी। अगर 10,00,000 रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम है तो 4,75,000 उसमें घट गए, आपके बचे 5,25,000 रुपए। 5,25,000 के ऊपर अगर मैं टैक्स की गणना करूं तो टैक्स आता है 17,500 रुपए। अगर इसी को मैं नए टैक्स में देखूं जो कि कल घोषणा हुई है उसके ऊपर टैक्स आ रहा है 62,500 रुपए। तो इन माय व्यू इट इज टोटल आई वॉच नथिंग नॉट मोर देन दैट। और ये जो है ये मैं समझता हूं कि एक नई घोषणा हुई है भारत के इतिहास में कि दो तरीके के टैक्स स्लैब रखे गए, इधर यू गो विद द ओल्ड रिजीम और यू मे ऑप्ट और यू मे चूज द न्यू रिजीम विच इज टोटली कंफ्यूजिंग। और अगर इस तरीके से हम बात करेंगे कि टैक्स की ये सारे जो है डिडक्शंस जो है सारी खत्म कर दी गई है तो नई कंपनियों के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसके ऊपर तो रुझान बढ़ेगा ही नहीं आदमियों का। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में जो 80C के अंदर 1,50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की छूट मिलती थी अगर आपने उसको एबॉलिश कर दिया है तो मैं क्यों इंश्योरेंस कंपनी की स्कीम या इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लूंगा। अगर मेरे 24B के अंदर सेक्शन 24B के अंदर हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट डिडक्शन को खत्म कर दिया गया है तो मैं हाउसिंग लोन क्यों लूंगा। और इसी तरीके से अगर मुझे 80D के अंदर 25,000 रुपए के डिडक्शन को खत्म कर दिया गया है तो मैं मेडिकल पॉलिसी क्यों लूंगा। तो इस तरीके से मैं समझता हूं ये जो एक इन्वेस्टमेंट का रुझान होता है एक आम आदमी का, एक मध्यम वर्ग का, कि मैं कुछ इन्वेस्ट कर लूं बेटर फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका कि आंसर मैं नहीं समझता कि ये अभी हम लोगों के पास कोई अवेलेबल। बिल्कुल अभी जी एक छोटा सा प्रश्न और आपको दे देता हूं। अभी जी सरकार कहती है कि MSME और स्टार्टअप के द्वारा हम रोजगार के साधन पैदा करेंगे। सरकार ने यह भी कहा कि MSME में पहले यह प्रावधान था कि 1 करोड़ पर जो है 25 करोड़ पर टैक्स लगता था। अगर उसको और हम सुधार करते हुए देखें कि पहले 1 करोड़ पे वो टैक्स लगाते थे या ऑडिट उनको कराना पड़ता था, अब 5 करोड़ तक कोई ऑडिट नहीं हुआ। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं सरकार ने एक रोजगार के साधन बढ़ाए हैं जो ऑडिट, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है टेक्निकली, जब ऑडिट होता है उस ऑडिट रिपोर्ट को पेश करना पड़ता है तो 5 करोड़ तक अगर कोई व्यापार करता है तो ऑडिट कराने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ऑडिट कराना और रोजगार के साधन मुहैया कराना देश में दो अलग अलग चीजें हैं दादाजी, मैं ऐसा समझता हूँ। ऑडिट कराना तो एक इनकम टैक्स एक्ट का एक हिस्सा है, वो ये बताता है कि देखिए आजकल पहले जो आज जिस चीज की वैल्यू मैं समझता हूँ ऐसे में समझाने की कोशिश करूंगा, जिस चीज की वैल्यू अगर 5 करोड़ है आज से कुछ सालों पहले, चूंकि महंगाई की दर हर साल बढ़ती रहती है तो उसी चीज की वो आज डिफ्लेशन हो गया तो वो चीज आज बढ़कर के 5 करोड़ हो गई। पहले वो 4 करोड़ थी, उससे पहले 3 करोड़ थी, यानी कि आज से कुछ साल पहले जिस करोड़ जिस नहीं अभी तो बजट जो है 6 महीने में दूसरा बजट निर्मला सीतारमण कर रही है, 6 महीने में 1 करोड़ से 5 करोड़ का उन्होंने ऑडिट पे छूट दी है तो 6 महीने में इतना मैं समझता हूँ अंतर नहीं आना चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन ये मैं मेरा इसमें ये कहना है कि रोजगार के साधन मुहैया कराना या रोजगार पैदा करना और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है वो उसको ऑडिट कराना ये दो अलग अलग चीजें हैं और उसको मिला के नहीं। बिल्कुल संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे। संजीव वर्मा जी सरकार ने 4,500 करोड़ का शिक्षा के लिए बजट रखा है जिसमें से स्किल इंडिया के लिए 3,000 करोड़ का बजट रखा है, आपको लगता है कि इस तरीके से क्या हिंदुस्तान पढ़ेगा और बढ़ेगा? संजीव वर्मा जी राकेश जी जो कल बजट आया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस धारणा को समाहित करते हुए ये बजट आया है, इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे किसान हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे मध्यम वर्गीय हो, और हर सेक्टर का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान रखते हुए 103,00,000 करोड़ रुपए का
फंड्स जनरेट करने की बात कही गई है। दूसरा, किसानों के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का जो हमने एक लक्ष्य रखा था, जो अपने घोषणा पत्र में एक बात कही थी, उसको ध्यान रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए 20 लाख किसानों को सोलर पंप देने की सरकार ने घोषणा की है। फर्टिलाइजर और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की ओर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। और जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो लॉन्ग टर्म हो, दीर्घकालीन योजनाएं जिनके जिनसे समाज का बहुत लंबे समय तक हित हो और हमारे देश की आर्थिकी को पंख लगे, इस तरह से काम करने का पूरा प्रयास किए गए हैं। जैसा अभी आपने शिक्षा बोला, तो शिक्षा के ऊपर 9,300 करोड़ संजीव वर्मा जी अगर पेपर को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको 4,500 करोड़ नजर आएगा। 3,000 करोड़ स्किल इंडिया के लिए है। पेपर को एक बार दोबारा पढ़िएगा। टोटल जो है 9,300 करोड़। संजीव वर्मा जी, मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, आप शायद भारत से बाहर निकल नहीं, आप जो जो मेरी 4,500 करोड़ का सरकार ने बजट बढ़ा है आपके, और 3,000 उसमें स्किल इंडिया में। नरेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया संजय श्रीवास्तव जी से ले लेता हूँ। संजय श्रीवास्तव जी, 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण सरकार बांटने जा रही है। सरकार ने कहा हम 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण बांटेंगे, लेकिन इसमें यह भी देखने वाली बात है कि सरकार कहती है कि हर जो कृषक है, जो खेती करता है, उसकी आय हम 2022 तक दुगनी कर देंगे। क्या ऐसा हो पाना संभव है? डॉक्टर साहब, जरा संजीव वर्मा जी से पूछिए, इन्होंने एक स्लोगन बोला है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। जरा इनसे पूछिए किसको साथ लेके चले हैं और किसके विकास के लिए काम किए और किसका विश्वास जीते हैं। संजीव वर्मा जी, जरा इसका जवाब दीजिएगा। समझ नहीं आ रही मेरे को। नहीं, जब आप मुश्किल प्रश्न पूछेंगे तो शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पाएगी। नहीं, आवाज नहीं, वो दूसरे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के बारे में, उन्होंने किसका साथ दिया है, किसका विश्वास किया है, पूछ रहे हैं आपसे। समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, उसमें चाहे किसान हो, उसमें चाहे मध्यम वर्गीय हो। आप किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? श्रीवास्तव जी, एक प्रश्न दोबारा दोहरा दीजिए, कंफ्यूज हो गए हैं संजीव वर्मा जी। संजय श्रीवास्तव जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास आपने कहा है, तो सरकार किसको लेके साथ चल रही है? संजीव वर्मा जी, देखिए, संजय श्रीवास्तव जी दोबारा पूछ लीजिए, सरकार मुठ में आ रखी है, दोबारा पूछिए। मैंने संजीव वर्मा जी से कहा, इन्होंने एक स्लोगन बोला है जो कि भारतीय जनता पार्टी के हर आदमी के जबान पे है, क्योंकि मोदी जी ने उस स्लोगन को बोला था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। जरा इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी का ये जो स्लोगन है, ये कल के बजट में क्या दिखाई दिया? इन्होंने किसको साथ लेके चला है, किसके विकास की बात की है और किसका विश्वास जीता है? माननीय मोदी जी के लिए देश की 135 करोड़ जनता सबको एक ही तराजू में तोलते हैं, सबको एक ही मान के चलते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ी राज्यों के लिए क्या किया आपने, बताइए, किसी से भेदभाव, एक 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 प्रश्न बताइए, पहाड़ी राज्यों के लिए क्या किया आपने? अभी जैसे स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्या किया आपने? शिक्षा के क्षेत्र के लिए नए विश्वविद्यालयों को उनको स्वायत्ता देने के लिए काम किया है, उनका बजट पहले से बढ़ाया है हमने। और जैसे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, 69,000 करोड़ का आयुष्मान का फंड जनरेट किया है, पूरे देश भर में 20,000 नए अस्पताल हमने इम्पैनल किए हैं, और 112 अच्छा, चलिए बता दीजिए, आज से बजट सालों में आपने कितने हॉस्पिटल खोल दिए? आयुष्मान योजना अभी तक लागू नहीं थी, 6 वर्षों में आपने कितने हॉस्पिटल खोल दिए संजीव वर्मा जी? जी,
छह वर्षों में कितने हॉस्पिटल खोला आपने? आपकी आपकी बात समझ में, छह सालों में कितने हॉस्पिटल खोले आपने पूछ रहे? छह सालों में कितने हॉस्पिटल खोले? छह सालों में सैकड़ों हॉस्पिटल नए खुले हैं। नाम बताइए, क्योंकि जितने हॉस्पिटल खुले कांग्रेस में पिछली सरकारों ने जितनी घोषणा की थी आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। आज भी एम्स ऋषिकेश तरस रहा आपने डॉक्टरों के लिए। आज भी देखिए एम्स में कायदे से वहां पे सुविधाएं नहीं है। तो बात क्या आपने क्या किया ये बताएं आप। संजय जी, पहाड़ों में आज से पहले डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, कंपाउंडर पूरे हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी चला रहे थे। आज अपने उत्तराखंड के किसी भी डिस्पेंसरी या किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, हर जगह डॉक्टर उपलब्ध हैं। पहली बार पिछले 3 सालों में पहली बार डॉक्टर पहाड़ों पर चढ़ा है, ये हमारी उपलब्धि है। आपके स्वास्थ्य के सीएमओ की सीएमओ ने आयुष्मान योजना के तहत हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इम्पैनल्ड किए हुए हैं, और जहां पर सरकारी उसमें जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम रेफर करते हैं, और वहां पर आयुष्मान योजना के तहत, क्योंकि यहां पर 23 लाख हॉस्पिटल्स में कोई शिकायतें आई थी उनको हमने पैनल से बाहर करने का काम किया है, उनको ब्लैक लिस्टेड करने का काम किया है। पे घोषणा और घोषणा के बाद घोषणा, और जब सवाल पूछो तो इधर उधर की बातें हो जाती हैं। अब ये सारे आंकड़ों में उलझा दिया गया है। आप अगर आप उनके बजट के अगर आप सिर्फ इसी साल का बजट जोड़ेंगे तो बड़ा लगता फिगर, पर पिछले साल से कंपेयर करें तो सब में घटा हुआ है। अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करें तो पिछले साल से इस साल के हेल्थ सेक्टर में मात्र 3,000 करोड़ का फर्क पड़ा है, परंतु क्या उससे व्यवस्था कुछ ठीक होगी?
आज जिस तरह से हमारे देहरादून में अस्पतालों की स्थिति है, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर चरमराई हुई है, अभी वर्मा जी कह रहे हैं कि हमारे पहाड़ों में हमारे हर अस्पताल में डॉक्टर हैं, वो जितने भी डॉक्टर अस्पताल में चढ़े हैं वो मात्र एक रेफर सेंटर बन गए हैं। उन्होंने सब कुछ नहीं, ना उनके पास कोई व्यवस्था है, ना कोई आईसीयू, आईसीयू तो छोड़िए उनके पास तो बेसिक फैसिलिटी नहीं है, ना उनके पास कोई ओटी ऑपरेशन सेंटर है वहां पर, ना वहां पर उनके पास दवाओं की सुविधाएं है। उनका सिर्फ यही काम रह गया है आगे जो भी आया पेशेंट उनको श्रीनगर पहुंचा, पहाड़ों से श्रीनगर रेफर कर दिया, श्रीनगर से देहरादून रेफर कर दिया, उसके बाद देहरादून में उसके टेक्नोलॉजी के लिए रखा है, स्वास्थ्य के लिए सरकार कहती है 69,000 का हमने एक बजट रखा है, इसके लिए स्वस्थ भारत के लिए 12,300 करोड़ का बजट रखा है। अगर हम क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्या 8,000 करोड़ रुपए सफिशिएंट है क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए? अभी जी देखिए, ये डिपेंड करेगा कि 8,000 करोड़ जो है वो सफिशिएंट हो गया कि नहीं होंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमें बता दी जाती है कि हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी जो है वो इतनी डेवलप करनी है क्या नाम देश में, तो उसके किसी भी चीज को हम क्वांटिफाई करते हैं तभी जबकि उसके हम उसकी रिक्वायरमेंट इतनी होती है। तो मैं इसके ऊपर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि 8,000 करोड़ रुपए सफिशियंट होंगे या नहीं होंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। हर चीज के लिए, हर व्यवस्था के लिए कुछ समय देने की आवश्यकता होती है। अगर हम सोचें कि आज घोषणा हुई और कल ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। 2022 कह रहा हूं सर जी, 2022 आप सुनते रहिए। सरकार ने 103 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स जनरेट करने की बात कही है, और आप उत्तराखंड के परिपेक्ष में देखें जो हमारी ऑल वेदर रोड जिसका और इसमें 12,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है, 70% इस पे काम कंप्लीट हो चुका है। कर्णप्रयाग रेल योजना इस पे लगातार बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है, और यहाँ के पर्यटन के लिए एक लाइफ लाइन बनने जा रही है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक संवरेगी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। और तेजस भी शामिल है ये, और उत्तराखंड के परिपेक्ष में देखिए ये थोड़ा सा और अच्छा है। उन्होंने बोला कि जो तेजस ट्रेन है और हाई स्पीड ट्रेन है, ये जो डिफॉल्टर हुए हैं लोग, और साथ में एलआईसी को प्राइवेट सेक्टर से जोड़ने की जो बात हो रही है, पहले ये बताया कि उस
कंफ्यूजन को कैसे ये दूर करेंगे, आदमी कैसे जुड़ेगा एलआईसी के साथ, जो आदमी एलआईसी के साथ जुड़ा हुआ है उसको पहले उसकी दिक्कतों को दूर करें ना, ये नई चीजें जो ला रहे हैं वो तो माना जाएगा। दूर होगा और सरकार पूरा का पूरा कोई एलआईसी को पूरा पूरा नहीं बेचने जा रही है, बल्कि एलआईसी का एक बहुत छोटा शेयर बेचने जा रही है और इसी प्रकार आईडीबीआई कुछ शेयर निवेश करने जा रही है। उससे अगर किसी दो डिस्ट्रिक्ट को देहरादून में फर्क पड़ सकता है उत्तराखंड में, एक उधम सिंह नगर जहां पर मेजर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, या एक हरवा डिस्ट्रिक्ट जहां मेजर एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। बाकी जो बजट होता है वो बजट पूरे देश को ध्यान में रख के बनाया जाता है, ना कि एक स्टेट को ध्यान सर में ग्रीन तो चलिए ठीक है, हम बड़े सोच के साथ चल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिए एक चीज बताइए, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से देख लीजिए, धर्मार्थ की दृष्टि से देख लीजिए, यहाँ के भौगोलिक स्थिति से देख लीजिए, एक ऐसा बता दीजिए, एक शब्द बता दीजिए जो उत्तराखंड के लिए कहा गया, उत्तराखंड के फेवर में कहा गया, उत्तराखंड वासियों के लिए कहा गया। संजय जी हर बार देखिए, मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूं, आप भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप साथ साथ ये भी देखिएगा, जो घोषणाएं उत्तराखंड में पहले पिछले सालों में की गई जैसे ऑल वेदर रोड की, जैसे कंट्रिया रेल योजना, ये दीर्घकालीन योजनाएं हैं और लंबे समय तक हमारे पूरे उत्तराखंड को इसका लाभ मिलने वाला है। ये योजनाएं चल रही है, पहले ये बताइए, ये योजनाएं कंप्लीट हो जाए, और साथ ही साथ आप ये देखिए जितनी ये योजनाएं हैं उन सब का कहीं ना कहीं लाभ उत्तराखंड को भी तो मिल रहा है। बिल्कुल, एक छोटा सा प्रश्न अभय जी आपसे ले लेते हैं। अभय जी, सरकार ने सिगरेट को महंगा किया है, चबाने वाला तंबाकू महंगा किया, रोस्टर को महंगा किया है, अगर हम और चीजों की बात करते हैं, फर्नीचर को सरकार ने महंगा किया, लगता नहीं वेल बैलेंस्ड बजट है, क्योंकि फर्नीचर अमूमन बहुत गरीब तबके का व्यक्ति नहीं खरीदेगा, सिगरेट गरीब तबके का व्यक्ति नहीं लेगा, तंबाकू का में भी हो सकता है, हालांकि तंबाकू सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने वो चीजें महंगी की है जो लग्जरी आइटम है।
पर बहुत ज्यादा टैक्स का बर्डन होगा, तो इसको कम कंजम्पशन होगी देश में, और कम कंजम्पशन होने की वजह से जो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं तंबाकू के या टोबैको प्रोडक्ट्स के हैं, वो उसके जो है वो चीजें देश में जो है वो कम होगी। सर तंबाकू पे तो टैक्स जो हर बजट में बढ़ता है, तो इसमें कुछ नया तो हुआ नहीं इस बजट में। ये जब से मैं बजट देख रहा हूँ पिछले 10-11 साल से, हर बजट में तंबाकू पे या टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे तो टैक्स तो बढ़ता ही है। नरेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी में एक प्रश्न जोड़ देता हूँ, संजीव वर्मा जी आप उत्तर दे दीजिएगा। संजीव वर्मा जी, सरकार ने कहा है कि NRI जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं उन पे भी टैक्स का प्रावधान रखा जा सकता है, तो इसमें इसको क्लियर क्यों नहीं किया गया कि हाँ इन पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति इसमें आ गई है। संजीव वर्मा जी, राकेश जी देखिए अभी इस पे काम चल रहा है और एक दो दिन के अंदर अभी क्या लाभ मिलने जा रहा है, हमारा मध्यम वर्ग लाभान्वित हो रहा है या उसको नुकसान हो रहा है, कई सारी चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अभी जैसे अजय जी ने बोला कि अभय जी ने बोला था कि जो हमारा टैक्स स्लैब है, तो टैक्स स्लैब का अभय जी सरकार ने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं, आप चाहे पुराने में जाए चाहे नए में जाए, आपको जो वाले जिस स्लैब में बेटर लग रहा है, यदि आपको पुराने उसमें बेनिफिट लग रहा है तो आप पुराने को जारी रखिए, अगर आपको नए वाले में लाभ लग रहा है तो आप नए वाले में जाइए, तो दोनों ऑप्शन खुले रखें। मेरा एक सवाल है यहाँ पे वर्मा जी आपसे कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि देश में के इतिहास में पहली बार दो तरीके के टैक्स के ऑप्शन रखे गए हैं, या तो आप पुरानी व्यवस्था के साथ चल सकते हैं या नई व्यवस्था के साथ चल। मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं समझता हूँ देश के किसी भी आदमी के पास नहीं है। मुझे कोई ये बताने की कोशिश करे कि अगर मैं नए टैक्स सिस्टम के साथ जाना चाहता हूँ या मैं पुराने टैक्स सिस्टम के साथ जाना चाहता हूँ, एक साल बीत जाने के बाद भी मुझे किस तरीके का रिलीफ दिया गया, कृपया इसके ऊपर एक आंसर देने की कोशिश करें। अभय जी देखिए, अगर आपने लोन ले रखे हैं, आपका लोन का रिपेमेंट हो रहा है और अन्य तरह के आपके डिडक्शंस हैं, तो आपको पुराना वाले उस पे जाना चाहिए। अगर आपके इस तरह के कुछ भी वो नहीं चल रहा है, चलिए चलिए छोटा सा प्रश्न आपको नए वाले छोटा सा प्रश्न इसमें संजय श्रीवास्तव जी से ले लेते हैं। हालांकि सरकार ने मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, सरकार ने दो विकल्प रखे हैं, इतिहास में पहली बार हुआ है कि टैक्स के लिए जो टैक्स देना चाहे या ना देना चाहे करदाताओं के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो टैक्स नहीं देना चाह रहा या जो पैसा नहीं सेव करते उन लोगों को इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलने की संभावना नजर आती है। संजय श्रीवास्तव जी, एक छोटा सा प्रश्न आपको दे देता हूं, MSME और स्टार्टअप को आप किस नजरिए से देखते हैं? संजय श्रीवास्तव देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज तो आप मान के चलिए कि जिस तरह से इन्होंने बजट को लाया है कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो कि सराहनीय हो। मैं अभय जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा क्योंकि आपकी प्रश्न हमें पूरा क्लियर नहीं सुनाई दिया था। अभय जी कितना दूरदर्शी होगा इसका यह बजट कितना दूरदर्शी होगा? संजय जी माफ कीजिएगा, मैं क्वेश्चन आपका आप दोबारा जल्द रिपीट करेंगे, मैं थोड़ा वॉइस में क्लियरिटी नहीं है। संजय जी कृपया क्वेश्चन रिपीट करें। मेरा कहने का मतलब है जिस उम्मीद में सारे लोग थे, सारी दुनिया थी, भारतवर्ष के लोग कर रहे थे कि इस समय जो भारत की स्थिति है
जो इस समय आर्थिक स्थिति है, तो उसमें बजट एक ऐसा आदमी उम्मीद कर रहा था कि बजट आम आदमी के लिए होगा, लेकिन जो बजट आया है प्रथम दृष्टता ऐसा नहीं लग रहा है। और अगर मान लीजिए अंदरूनी कुछ ऐसी चीजें हैं तो कितना दूरदर्शी बजट है, कितना आने वाले समय में आम जन के लिए ये फायदेमंद होगा। कोशिश करूंगा कि देखिए, एक तरफ तो जो बजट का जो स्लैब्स आए हैं या बजट के दो ऑप्शंस रखे गए हैं कि आप पुरानी व्यवस्था के साथ चल सकते हैं, नई व्यवस्था के साथ भी चल सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक आम आदमी की बात करूं, इस देश में तो किसी भी तरीके की कोई राहत इस बजट में नहीं दी गई है। बस एक वो लोग जो कि 5 लाख रुपए वाले ब्रैकेट में आते थे या 5 लाख से थोड़े ज्यादा ब्रैकेट में आते थे, सिर्फ उनको एक थोड़ी सी एक रिलीफ मिला है। क्योंकि पहले मान लीजिए जिन लोगों की काय की इनकम 6 लाख रुपए तक की थी पिछले साल तक, उनको जो है वो बहुत थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई बिल्कुल टैक्स खत्म कर दिया गया है। तो छोटे ब्रैकेट में जो लोग फॉल करते हैं उनको तो किसी तरीके की राहत है, लेकिन दूसरे तरीके के जो ऊपर अपर स्लैब वाले लोग हैं उनको राहत नहीं है। अब देखिए, मैं यहाँ पे ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा, गवर्नमेंट ने 2 स्लैब रखी है। गवर्नमेंट कहती है कि आप पुराने सिस्टम के साथ भी जा सकते हैं, आप नए सिस्टम के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप नए सिस्टम के साथ जाते हैं तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपकी 80C के अंदर डिडक्शंस हैं, जो आपकी और तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा अगर नई स्कीम के साथ जाते हैं। अगर मैं नई स्कीम चूज करता हूं तो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बिल्कुल मेरा रुझान होगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ गवर्नमेंट जो है इस जनता को, इस देश की जनता को चाहती कि डिसइन्वेस्टमेंट हो, यानी कि लोग उसकी तरफ रुझान ना हो इन्वेस्टमेंट की तरफ। अगर देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो नई नौकरियां कैसे पैदा होंगी, नए रोजगार के साधन कैसे पैदा होंगे, मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने इस तरीके से एक नई चीज पेश करी है जिसको आम आदमी अभी भी कंफ्यूज है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो कि था, जो कि इन्होंने FDI को लुभाने की कोशिश करी है कि विदेशी निवेश आएगा। इन्होंने क्या करा है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले 10% होता था, अगर 10 लाख से ऊपर किसी आदमी को डिविडेंड दिया जाता था तो कंपनियां उस पर 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स चार्ज करती थी, जिसको कि अब शिफ्ट कर दिया गया है कंपनी से हटा करके इंडिविजुअल टैक्स पेयर के ऊपर। अभी मैं देता था 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अब अगर मैं 30% के स्लैब में फॉल करता हूं तो मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पे अगेन एक ऐसी चीज है जो कि मेरी समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा रहे हैं तो FDI आपकी जरूर आकर्षित होगी और आपका इस देश में जो है विदेशी कंपनियों से निवेश जरूर आएगा। लेकिन पूरा का पूरा अगर आप एज अ होल इस बजट को देखने की कोशिश करें तो किसी भी तरीके के वर्ग को, किसी भी तरीके की जनता को या किसी भी तरीके के लोगों को कोई खास उम्मीदें जो कि उन्होंने पाल रखी थी, किसी तरह की कोई खास राहत नहीं दी गई। बिल्कुल, एक छोटा सा प्रश्न नरेंद्र जी आपसे ले लेते हैं। नरेंद्र जी, सरकार ने G20 सम्मेलन के लिए 100 करोड़ का बजट इस बार रखा है, आपको लगता है कि G20, क्योंकि अभी भारत ये सम्मेलन कराने वाला है, इस G20 सम्मेलन के लिए 100 करोड़ कहां तक आपको न्याय उचित लगता है, क्योंकि आम जनता को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है? सर, G20 के लिए जो एलोकेशन हुए हैं वो बहुत जरूरी है। देखिए, G20 में जितने लोग बाहर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे वो भारत की को देखने वाले हैं, तो इसलिए उन्हें वो जो फंड एलोकेट हुए हैं वो बिल्कुल जायज हैं। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम विदेशियों को हिंदुस्तान भेज सकें। हमारे जितने एवेन्यूज हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, या जितना हमारे देश में उस G20 की वजह से हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, हमारे यहाँ FDI बढ़ेगी, हमारे यहाँ पर जितने फॉरेन विजिटर्स आएंगे वो बहुत ज्यादा हमें फायदा होने वाला है 100 करोड़ के एलोकेशन से। बिल्कुल, अभय जी एक छोटा सा प्रश्न आपसे ले लेते हैं। अभय जी, सरकार ने जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके सामान को तो सस्ता कर दिया, लेकिन जो बच्चों के खेलने के खिलौने हैं वो सरकार ने महंगे कर दिए, या ऐसा तो नहीं कि जितना हम पे खेलने का जो खिलौना है अधिकतर वो चाइनीज है, या तो उसको देखते हुए सरकार ने इस चीज को महंगा किया, या इंडियन खिलौनों को किया, ये थोड़ा सा स्पष्ट आप कर पाएंगे इस चीज को? मैं समझता हूँ ये जो जितना भी इम्पोर्ट है हमारा, जो हम निर्यात करते हैं उसके ऊपर जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, और ये अच्छा मूव है।
हर एक गवर्नमेंट की हर एक एक्टिविटी को या हर एक मूव को जो है क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ उसका प्रॉपर अवलोकन किया जाना चाहिए और उसके बाद अपनी राय जाहिर की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि देश के उद्योग धंधों को बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो बजट में इंट्रोड्यूस हुई है या जो बढ़ाई गई है वो एक स्वागत योग्य कदम है। और जो कि खिलौना के ऊपर या ज्यादातर खिलौने हमारे चाइना से आते हैं जैसा कि आपने अभी काला जी ने कहा, तो मैं समझता हूँ कि एक स्वागत योग्य कदम है और एक अच्छा कदम है। इससे हमारे देश के उद्योग धंधे संरक्षित रहेंगे और इम्पोर्ट जो है वो उसको डिस्करेजमेंट मिलेगा और इस तरीके से ये अच्छा कदम है। बिल्कुल संजय श्रीवास्तव जी, आपने अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगला प्रश्न संजीव वर्मा जी से ले लेता हूँ, इस डिबेट को हम कंटिन्यू रखते हैं। संजय श्रीवास्तव जी ने काफी कीमती समय अपना दिया, थोड़ा सा इसको विस्तार से उन्होंने खुल के इस चीज पे बात की कि बजट क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। संजीव वर्मा जी एक प्रश्न आपसे ले लेता हूँ। संजीव वर्मा जी, सरकार ने इस बार एक बहुत अच्छी पहल की MSME और स्टार्टअप के द्वारा, जो रोजगार सरकार देने जा रही है या नए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है, एक बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया, आप इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? राकेश जी देखिए, इस समय रोजगार का सृजन बहुत आवश्यक है और अभी कुछ दिनों पहले ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा करी थी कि हमारे सरकारी पदों जो कुछ खाली पड़े हुए हैं लगभग 1,10,000 के आसपास, उनको भी भरने का उन्होंने आदेश दिया था कि उनको भी भरा जाए। और साथ ही अभी जो स्टार्टअप वगैरह से 2025 तक 4 करोड़ नए रोजगार का सृजन करने का भी सरकार ने एक प्रावधान किया है, हम 2025 तक 4 करोड़ नए रोजगार देने जा रहे हैं। बिल्कुल नरेंद्र सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। नरेंद्र सिंह जी, सरकार कहती है कि जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको खासकर हम PPP यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड पे देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर खासकर अगर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो अगर PPP प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ज्यादा आएंगी तो लगता नहीं किसी कहीं नहीं सरकार और प्राइवेट जो लोग हैं उनके बीच में थोड़ा सा खींचतान बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है? सर, सरकार इसलिए PPP मोड में दे रही है किसी किसी को कि हम उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, परंतु अगर अगर प्राइवेट प्लेयर्स किसी भी मेडिकल क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स आता है वो उसमें एफिशिएंसी बना लेता है। सर मैं सर वही तो बता रहा हूँ, क्यों सरकार पीपीपी मोड में दे रही है कि हम उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमने क्यों कॉरोनेशन हॉस्पिटल पीपीपी मोड में रखा है क्योंकि हमें हम उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। परंतु प्राइवेट प्लेयर के आने से ये फायदा होता है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पेशेंट की जो केयर है वो बढ़ जाएगी, मेडिकल फैसिलिटीज वहां बढ़ जाएगी। आज कॉरोनेशन हॉस्पिटल में अपोलो भी है और हॉस्पिटल है, उसमें फैसिलिटीज बढ़ जाएगी उसकी वजह से। सर पीपी मोड एक बढ़िया है तरीका, पर इसमें ये हाँ, इस पे भी मान लेना चाहिए सरकार को कि भाई हम अब इसमें हम इन चीजों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप जो है पीपी मोड में चाहे सब कुछ। बिल्कुल संजय श्रीवास्तव जी, नरेंद्र सिंह जी, अभय जी, संजीव वर्मा जी, आपने आईटी हिंदुस्तान को अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार ने बजट पेश किया, कुछ चीजें बहुत बेहतर सरकार ने की, हालांकि टबाको जैसी चीज पे महंगी की है उन्होंने, हालांकि अभय जी ने कहा इसको और महंगा होना चाहिए क्योंकि जो चीज सेहत के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है, उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगना चाहिए। ये बहुत मंथन करने के बाद ये बजट हुआ। अमूमन ये अगर हम इस बजट की बात करते हैं, ये कॉपी पेस्ट बजट नहीं है और आईटीवी हिंदुस्तान ये जरूर कहना चाहेगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, बजट भी समझ में आएगा और जीने का मजा भी आएगा। देखते रहिए आईटीवी हिंदुस्तान, नमस्कार।